बात करते हैं नागदा की, जहां पर दुर्गा पूजा पंडालों में सप्तमी तिथि से चल रही पूजा समाप्त होने के बाद भक्तों ने नम आंखों से मां की मूर्ति का विसर्जन किया है। विसर्जन से पहले पंडाल में भक्तों ने एक पात्र में गंगा जल भरकर उसके अंदर शीशा रखकर मां के स्वरूप का दर्शन किया है। उन्हें प्रसाद अर्पित कर भक्तों ने उन्हें ग्रहण किया है। बंगाली महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाकर सुहाग की रक्षा की कामना की है। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। इसके बाद विसर्जन यात्रा निकाली गई। ढोल ताशे की थाप पर मां के जयकारे लगाते हुए मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। जैसा कि विदित है कि 9 दिन तक नवरात्रि पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया, उसके पश्चात माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएं हैं उनके विसर्जन का कार्यक्रम चामुंडा माता चंबल का जो पुल है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए शासन प्रशासन नगर पालिका के रूप से समुचित व्यवस्था की गई है। जो बड़ी मूर्तियाँ उनके लिए जैसे की व्यवस्था भी है, दोनों तरफ पुलिस बल भी लगा हुआ है। विसर्जन के इस मौके पर सभी को, सभी श्रद्धालुजनों को, सभी ऑफिसर्स और कर्मचारी जो लगे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जैसा कि एसडीएम सर ने बताया, सुव्यवस्थित रूप से जो है विसर्जन किया जा रहा है और पुलिस बल तैनात है और हमारे नगर पालिका कर्मी जो है मुस्तैद होकर विसर्जन का कार्य कर रहा है। मार्गदर्शन नेतृत्व में और सभी टीमें हैं, जिसमें राजस्व विभाग की टीम है, अपने सीएमओ साहब, नगर पालिका की टीम, हमारे पुलिस विभाग और तैराक दल, सभी जो भी यहाँ पर बढ़ते हैं।